नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान, आपके साथ हम मौजूद हैं किसान कृषि प्रदर्शनी में कुबोटा ट्रैक्टर के स्टॉल पर, जो एक जानी मानी ट्रैक्टर और कृषि यंत्र निर्माता कंपनी है। हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं वो हैं मिस्टर राजकुमार जी, जो सीनियर मैनेजर कुबोटा मिनी एग्जीक्यूटर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति। थैंक यू। मेरा नाम राजकुमार है, मैं कुबोटा मिनी एग्जीक्यूटर का सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ। राजकुमार सर, जानना चाहेंगे ये जो मिनी एग्जीक्यूटर है किस तरीके से कार्य करता है, क्या पर्पज़ है इसको बनाने का, उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मिनी एक्सकेवेटर मेनली ये छोटा मशीन है, जहाँ पर जगह कम है, जहाँ छोटी जगह है, छोटी गली है, और जहाँ बड़ा मशीन नहीं जा सकती है, और जहाँ लेबर को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, उस जगह पर यह मशीन यूज़ हो रहा है। और पूना में करीब 100 मशीन चल रहा है। पूना में इसका एप्लीकेशन है बिल्डिंग के बेसमेंट और जहाँ कम जगह है, और पूरा महाराष्ट्र में देखेंगे तो वीरी के एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, पाइपलाइन का एप्लीकेशन में, एग्रीकल्चर में पाइपलाइन के लिए यूज़ हो रहा है, और जो बिल्डिंग का बेसमेंट है वहाँ के लिए ये मशीन यूज़ हो रहा है। कुबोटा एक ऐसी कंपनी है जो जाना माना ब्रांड नेम है और अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि जो ग्राहक है वो सबसे पहले गुणवत्ता को देखता है उत्पाद की, तो क्या इसके खास फीचर्स हैं, किस तरीके के गुणवत्ता मानकों पर इसको बनाया गया है? देखिए, इस मिनी एक्सकेवेटर का मेन फीचर है, इसको जीरो टेल बोलते हैं। मतलब इसका जीरो टेल मतलब इसका ऊपर वाला भाग है जो चेन का अंदर अंदर रहता है, चेन से बाहर नहीं आता, इसलिए छोटा गली में ये मशीन घुस के काम करेगा। और ये 2 टन का मिनी एक्सकेवेटर बोलता है, ये 2 टन का मिनी एक्सकेवेटर, इसका एक तो जीरो टेल फीचर है, उसके बाद में इसका डीजल कंसम्पशन बहुत कम है। इसका जो एवरेज डीजल कंसम्पशन है 1 से 2 लीटर घंटे का, तो इसलिए, और इसका मेंटेनेंस कम है। बाकी मशीन बड़ा जेसीबी का कंपैरिजन करेंगे, इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है, और इसका जो वियर एंड टीयर पार्ट्स, नंबर ऑफ वियर एंड टीयर पार्ट्स कम है। इसलिए जो भी आपका किसान भाई और वो जो एग्रीकल्चर है, जो भी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये मशीन बेस्ट सूटेबल है। आपका बजट भी कम रहेगा, आपका डीजल कंसम्पशन कम है, मेंटेनेंस कम रहेगा, तो लॉन्ग टर्म। और ये पूरे का पूरा मशीन हम लोग जापान से इंपोर्ट करते हैं, तो कुबोटा मिनी एक्सकेवेटर वर्ल्ड वाइड में नंबर 1 है, तो क्वालिटी मशीन है, जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम लंबा चलेगा आपका, और खाली आपका बेसिक जो डीजल जल डालना है और बेसिक मेंटेनेंस करना है। वर्किंग कैपेसिटी क्या है इसकी? इस मशीन का कैपेसिटी ऑपरेटिंग वेट 2 टन बोलते हैं। इसका मशीन का वेट के हिसाब से ये अलग अलग, हमारे पास इंडिया में 3 मॉडल है कुबोटा का, ये 2 टन का मशीन है, उसके बाद में नेक्स्ट 3 टन का है, फिर 5 टन का मशीन है। सर, कीमत की अगर हम बात करें तो कितनी इसकी कीमत रखी गई है इस मशीन की? इस मशीन का यहाँ पर कोटेशन प्राइस 22 लाख है, जब फाइनल करना है तो 1-to-1 हमारा जो डीलर से ऑल ओवर इंडिया में है, वो लोग आपको पर्सनली उनको मिलेंगे और उनको रेट वगैरह फाइनल करके देंगे। सर, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस मशीन का कुछ डेमो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को दिखवाएं। हाँ, हम एक एक करके हम आपको मशीन का फीचर्स बताएंगे। प्लीज, इसको बकेट बोलते हैं, ये 1.5 फीट का बकेट है, ठीक है, और इसमें ब्रेकर का पाइपलाइन, इसमें बकेट भी चला सकते हैं, ब्रेकर भी चला सकते हैं, ब्रेकर भी रखा हुआ है। ये जो ब्रेकर के लिए जो पाइपिंग किट है, ये डायरेक्ट जापान से लग के आती है, और इसको बकेट सिलेंडर बोलते हैं, ये बकेट को चलाती है, बकेट सिलेंडर बोलते हैं। और बाकी मशीन के कंपैरिजन में हमारा जो बूम और आर्म, ये बूम, इसको बूम असेंबली बोलते हैं, ये बूम फोर्ज असेंबली रहता है, जो फोर्ज पार्ट है, ये दोनों किनारे में फोर्ज रहता है, तो इसलिए उसका लाइफ ज़्यादा रहता है, मजबूती रहता है और लंबा चलता है। और उसके बाद में इसका जो, इसको डोजर ब्लेड बोलते हैं, ये डोजर ब्लेड, अभी ये मशीन का चौड़ाई 4 फीट है, 3 फीट भी हो जाती है, अभी मशीन स्टार्ट किया इन्होंने, डोजर लिफ्ट किया। आपको एक जीरो टेल बताते हैं, जीरो टेल क्या होता है, जीरो टेल में अभी ये जब मशीन घूम रहा है, इसका ऊपर वाला भाग है, ये इधर देखिए चेन का अंदर अंदर है, तो ये चेन का बाहर नहीं आएगा, तो ये इसका फ्यूचर है। इसका मतलब, इसका फायदा है कि मशीन 4 फीट वाला गली में घुस के काम करेगा, और ये जो, ये भी कम हो जाता है, ये 4 फीट है, 3 फीट भी हो जाती है, तो ये तो इससे कस्टमर ऑपरेटर को पीछे देखने की जरूरत नहीं है, मतलब मशीन का बाहर कुछ टच होगा ऐसा करके जरूरत नहीं है। उसके बाद में दूसरा फ्यूचर है बूम स्विंग, खाली बूम स्विंग करना, देखिए खाली बूम, खाली स्विंग हो रहा है, मतलब मशीन को चेंज किए बिना जगह पे बूम स्विंग हो रहा है, इसलिए दीवार के नज़दीक में सटा करके मशीन को डायरेक्शन चेंज किए वो काम कर सकते हैं। इसका बूम स्विंग का ऑपरेशन है, बूम स्विंग दोनों डायरेक्शन में होगा, तो ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर है।
जीरो टेल भी है इस मशीन में। इसका तो चौड़ाई है नॉर्मली 4 फीट है, हम आपको दिखाएंगे इसमें 3 फीट भी हो जाती है। सबको मशीन छोटा जगह पे जाना है, छोटी कम गलिया वाला में 3 फीट वाला गली में जाना है, तो ये मशीन इसका ट्रैक एडजस्टेबल है। बाकी मशीन में उसका ट्रैक फिक्स रहता, मशीन में ये ट्रैक एडजस्टेबल है। अभी स्टैंडर्ड 4 फीट है, अभी ये एडजस्ट कर रहे हैं, अभी देखिए 3 फीट हो जाएगा, मतलब 3 फीट वाला गली मशीन घुस के काम करके आएगा। तो ये छोटी जगह के लिए बेस्ट मशीन है। ये देखिए 3 फीट हो गया ये मशीन का, इसका चौड़ाई 3 फीट हो गया। सामने सामने से दिखेगा ये जो 3 फीट ना, इधर से लीजिए। अभी देखिए ये 3 फीट, मतलब ये मशीन एडजस्टेबल है, जहाँ कम जगह है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करके ले जा सकते हैं। छोटी जगह में, कम जगह पर, खेती में पाइपलाइन के लिए ये बेस्ट मशीन है। उसके बाद में इसका जो मेन, ये जो कैनोपी बोलते हैं, कैनोपी ये रोप्स एंड फॉप दिया है, मतलब रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, फॉल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब अगर सपोज कुछ हो ना हो, सपोज हो गया तो ये मशीन रोल ओवर होगा तो भी ऑपरेटर को सेफ्टी रहेगा। सपोज मशीन का ऊपर कुछ दागड़ वगैरह पड़ गया तब भी ये इंटरनेशनल फीचर दिया हुआ है, कुछ अंदर जो बैठा ऑपरेटर को डैमेज नहीं होगा। और इसमें जो फीचर दिया हुआ है, ये जो लीवर वगैरह बहुत स्मूथ रहता है, और कस्टमर जो ऑपरेटर को थकावट नहीं होता, लंबा चला सकता है। और ये जो पूरा है ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, इसमें हाइड्रोलिक पंप है, और इसमें इंजन है 16 HP का इंजन है, 16 HP का कुबोटा का इंजन है। आप इंजन का आवाज़ दे सकते हैं, जैसे रेसिडेंशियल एरिया में चलाना है तो कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका इंजन है कुबोटा का इंजन है, इसमें लो नॉइस लो वाइब्रेशन वाला इंजन है, प्लस इसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम है। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार कुबोटा से, जिन्होंने पूरी तरह से विस्तार पूर्वक इस मशीन के बारे में जानकारी दी, और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से बताया कि कितना इसकी वर्किंग कैपेसिटी है, कैसे काम करती है, लो वाइब्रेशन है, सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताया। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए फसल क्रांति। नमस्कार, थैंक यू।